देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए और 60-40 में सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सभी छात्र जान प्राण नहीं दे देंगे। हम लोग अपना हक और अधिकार नौकरी के लिए लड़ लेंगे और छोड़ना नहीं है। धारा 144 लागू किए बावजूद इसके आप लोग बढ़ रहे हैं। धारा 144 कल तक नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजधानी रांची में झारखंड के युवा एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं और आप देख सकते हैं कि राजधानी का मोराबादी ग्राउंड जो है छात्रों से भर चुका है और एक बार फिर 60-40 नीति के विरोध में जो है ये लोग मुख्यमंत्री आवास जो है घेरने की कोशिश करने के लिए ये लोग निकल पड़े हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है छात्र नेता जो है तमाम जो है वो निकल पड़े हैं और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की ओर। और आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो है यहाँ पर धारा 144 लागू किया गया है और हमारे आप तस्वीरों के पीछे देखेंगे कि किस तरह से जो है जो तमाम जो है छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और आंदोलन की बिगुल बजा चुके हैं 60-40 नीति के विरोध में। मुख्यमंत्री आवास के घेराव को लेकर के ये लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। तो यहां पर कुछ छात्र नेता है, क्या कुछ कहना चाहिएगा आज, क्यों विरोध? हम लोग आगे जाके विधानसभा घेराव आज करना है और कर कहीं रहेंगे, चाहे उसके लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, देंगे। हम लोग झारखंड लड़ के लिए है, हम लोग अपना हक और अधिकार नौकरी के लिए लड़ के लेंगे, छोड़ना नहीं है। धारा 144 लागू किए बावजूद इसके आप लोग बढ़ रहे हैं। धारा 144 कल तक नहीं था, सरकार के से हम लोग को अधिकार मिला था पावर और अचानक लगा दिया है 144, हम लोग उसको भी तोड़ेंगे आज। क्या कुछ करना चाहिए? हम स्वर से मांग करते हैं कि आज कैबिनेट बैठक भी है, ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए और 60-40 में सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सभी छात्र जान प्राण नहीं दे देंगे। आखिर झारखंड के विद्यार्थी ने क्या गलती किया है जो कि हर समय हर सरकार के द्वारा विद्यार्थी सभी छात्र भी हम लोग कहीं कोचिंग कहीं स्कूल में रहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के चलते हम लोग सड़क पे उतरना पड़ रहा है। हेमंत सरकार का नाकामी है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर किस तरह से जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और जो कि छात्र नेता है, जितने भी छात्र हैं वो अब जो है शिवो सोरेन के आवास से पहले पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग की तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर, देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर। जितने भी छात्र हैं, चूंकि आपको जानकारी होगी किस तरह से जो है 60-40 नियोजन नीति को लेकर के आज सड़क जो है, आज जितने छात्र थे जो आंदोलन को लेकर के सड़कों पर उतरे थे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास को घेरने का उन्होंने ये बनाया था नीति बना करके ये लोग जो है सड़कों पर निकले थे। और अब चूंकि आप देख सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल जो है उग्र अंदाज में शिवो सोरेन के आवास से पहले ये लोग बैरिकेडिंग पे चढ़कर जो है किस तरह से जो है बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। समझ बूझ के नीति बनाई गई है, आप लोग तैयारी कीजिए एग्जाम। पगला जैसा नीति बना करके हमरा बोलता समझ बूझ के बनाया, 3.5 साल में नहीं समझा और 1 महीना में समझ बूझ के बना दिया। ये बताइए कि बोला है कि 7 लाख छात्रों से बात किया गया उसके बाद जो है नीति बनाया गया। अरे फर्जी कॉल ऐसा रहता तो हम लोग यहाँ आते हैं मार खाने के लिए, लाठी खाने के लिए हम लोग आते हैं। ये तो दूसरा दिया था ऑप्शन फॉर्म है, इतना तो दूर से हम लोग आएंगे साहिबगंज से। आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है छात्र नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नहीं, हम लोग अपना हक ले। तू बोला ये सुनिए, आपको ये सब बात क्या बोला, वो बोलने बोला ओकरा पूछिए ना। नोटिस दिया गया है 15 लोगों का नाम है, उसमें जो है मोतीलाल महतो हैं और भी कई जो लोग हैं। बताया गया है कि आप लोग छात्र नहीं है, आप लोग राजनीति करने वाले नेता हैं। तो हेमंत जी पढ़े वाला नेता है, इंटर पास खुद है, वो पढ़ने वाला नेता है, पढ़ने वाला नेता है, चोर वो पढ़ने वाला नेता है। गरीब का बात करते हैं, वो गरीब है, गरीबों का मसी है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in